हेलो दोस्तों, यह कंप्यूटर का थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में हम लोग कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी, पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? क्या है दोस्तों इसका उत्तर? इसका उत्तर है सी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी का उदाहरण है, इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? इसका उत्तर है सी, फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रैम। अगला प्रश्न है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी। अगला प्रश्न है, डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है दोस्तों, बताओ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वीडियो डिस्क। आपका अगला प्रश्न है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ALU इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मदरबोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बताओ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोल्टा होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? बताओ दोस्तों क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होगा। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बताओ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MIDI। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ड्राइव होगा। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोल्ड को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सर्किट बोल्ड। अगला प्रश्न है, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो बताओ दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लॉट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो बताओ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीट। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम बस। इसका आंसर होगा सिस्टम बस। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो बताओ दोस्तों किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जॉन्स जी कैमी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बताओ दोस्तों कब हुआ था विकास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो बताओ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है दोस्तों बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा डी, फोरट्रान। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है दोस्तों बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया है, तो बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबॉल। कोबॉल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबॉल। कोबॉल होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो जावा के आविष्कारक कौन है बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो कौन लागू होती है बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जावा, जो कि इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, वेब सर्वर्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो बताओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न है, गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, तो क्या प्रयोग करती है बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी, टेराबाइट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिट किसका लघु रूप है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी डिजिट का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिट। बिट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कितना बाइट मिलकर एक किलोबाइट बनाता है, तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 1024। नेक्स्ट प्रश्न है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो बताओ दोस्तों बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, ये सब जानते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 होते हैं, जो कि 0 और 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, तो बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, तो किसमें मापते हैं दोस्तों बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिट इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लॉजिक गेट क्या है, बताओ दोस्तों लॉजिक गेट क्या है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का सर्किट है लॉजिक गेट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, बताओ दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा इसका राइट आंसर होगा।
ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।